पर हम खड़े हैं इस समय सुखदेव के घर के बाहर। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही निशा होगा। और ये की हाल चाल है? देखो आज शहीदी दिहाड़ा, शहीदी दिहाड़ा मैं बोलता मैं भाई शहीदी दिहाड़ा बड़े वर्गे नौजवान से वो भी देश दे अपनी जो कुरबानी दी उन्होंने, उन्होंने माँ भी नहीं चाहती सी, भगत सिंह की माँ भी नहीं चाहती सी किसी का बेटा। कहते ना घर घर बंदा घर 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 भगत सिंह पैदा हो, सुखदेव पैदा हो, पर साढ़े घर ना हो, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उन्होंने बच्चा फांसी चढ़े। झुकाने के लिए आए हैं, जहाँ पर सिर्फ नमन करने के लिए आए हैं, नमन करने के लिए आए। इधर तू गल नहीं कर सकता, हुण दा इनकलाब जिंदाबाद का नारा मारे सीगा सुखदेव, हाँ जी फिर तू कुछ नहीं कर सकता। कहने को क्या है कि कहेगा इनकलाब जिंदाबाद, डरता क्यों पे है? लोड पै सकती अजे भी, अजे देश आजाद नहीं होया, नहीं होया, अंग्रेजा तो आजाद होया, काले अंग्रेजा तो आजाद कराना देश में, अजे ठीक है, तेनों नारा मारना पैना है। इस समय हम नौघरा में खड़े हैं, नौघरा जहाँ पर नौघर होते थे किसी समय अंग्रेजों के वक्त, ये एक डेवलप एरिया था जहाँ पर लोग रहते थे, यहीं पर पींगे डलती थी, सावन का महीना होता था। यह घर पुराना है, 500 साल पहले, 400 साल पहले, 300 साल पहले जब जहाँ पर लोग रहते थे इस घर में रहते थे। ऊपर तक देखो आप, ये खंडरी बाकी है, ये लुधियाना शहर का ओल्डेस्ट एरिया है, सिटी हार्ट, सिटी के हार्ट में है ये। इधर आ जाओ, इधर चलते हैं और देखिए ये, अब लोग यहाँ पर ये गली से घूम के हम उधर को चले जाएंगे, ये बंद गलियाँ हैं जहाँ सुखदेव के पड़ोसी रहते थे। ये वो गलियाँ, ये वो घर, जब जहाँ पर 1947 से पहले, अब ये घर खाली हो चुके हैं जहाँ नहीं लोग रहते। ये है, ये भी घर देखिए इधर, हम आपको जहाँ लेकर आए हैं नौघरा में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और देखिए धीरे धीरे करके ये सब जो घर थे ताले लग चुके हैं जहाँ, इतने से घर में लोग रहते थे पहले, लेकिन संपन्न हुए। वो सामने मंदिर है, वो कौन सा मंदिर है छोटे, वो पीछे ये बता दे कौन से, शंकर भाई के साथ है? नहीं हाँ, पीछे पड़ता है, पीछे पड़ता है, चलो बाद में पूछते हैं किसी से। और ये देखिए, ये मैं सारा वो दिखा रहा हूँ, मैं जो जहाँ पर कभी सुखदेव था पर। और देखिए जी, वो देखिए, वो भगवान की फोटो लगी है ऊपर, विष्णु श्री कृष्णा, ये उसी वक्त के घर हैं जिस वक्त सुखदेव इतनी सी उम्र का था। जही इसी मोहल्ले में, इसी नौघरा में पैदा हुआ था सुखदेव। सुखदेव आप तीनों मेरे को अब मिल गए हो, थोड़े मोहल्ले में आया है। देखो सुखदेव थापर नू जानते तुसी? किस कॉलेज पढ़ते हो? कॉलेज जे वी। सुखदेव थापर भगत सिंह नू जानते हो? हां जी। केडी क्लास पढ़ते हो? फोर्थ। फोर्थ क्लास पढ़ते हो? बहुत छोटी है जी। तू केडी क्लास पढ़ती है? फोर्थ ए थर्ड। थर्ड है। देखो भगत सिंह सी ना जेड़ा, ओदा नाल साथी सीगे, जिद्दां तुसी तीन जने हो ना, एक सुखदेव सी, एक राजगुरु सीगा। तो अंग्रेज़ कहते असी इतों छड़ के नहीं जाना हिंदुस्तान, वो अपन जाने के तंग करते अपना, जो कहता था हम आज़ादी लेके रहेंगे उन चक्के ना जेलों बंद कर देंगे।
ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਤਦੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਵੈਸੇ 23 ਮਾਰਚ ਕੋ ਬੰਦ ਹੋਤੇ ਹੈ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੋਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੋ ਫਾਂਸੀ ਪਰ ਚੜਾਇਆ ਥਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋਂ ਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋਂ ਕਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਮ ਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਬ ਤੱਕ ਇਕੁਅਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਮੇ ਭੂਖਾ ਨਹੀਂ ਸੋਏਗਾ, ਚੋਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਤਬ ਹਮ ਕਹੇਂਗੇ ਹਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਤਬੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੂਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪੀਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਆਪਕੇ ਮੁਹੱਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਆਪਕੇ, ਜਬ ਤੁਹਾਰੇ ਦਾਦਾ ਥੇ ਨਾ, ਜਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਬ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾ, ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਕੋ ਪਤਾ ਥਾ ਨਾ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਜ ਆਪਕੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਣਾ ਬਣੋਗੇ ਤੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਜੇ ਦੇਖੇ ਘਰ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰ, ਜੇ ਹਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆਪਕੋ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾ ਜੋ ਸਾਥੀ ਥਾ ਸੁਖਦੇਵ, ਜਿਸਕੇ ਹਮ ਘਰ ਕੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਮੁਹੱਲੇ ਮੇਂ ਆਏ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਆਏ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਆਂਗਨ ਮੇਂ ਆਏ ਹੈ, ਹਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਇਤਨਾ ਸਾ ਜੇ ਨੋਘਰਾ ਥਾ, ਦੇਖੇ ਕਿਤਨਾ ਅੱਛਾ ਫੁੱਲ, ਜੇ ਅਮਰੂਦ ਕਾ ਪੇੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਜਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਦਿਖਾਈਏ ਘਰ, ਜੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਖੇ ਸਤੀਰ ਹੋਤੇ ਥੇ ਐਸੇ, ਔਰ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਇੰਟ ਕਾ ਘਰ, ਔਰ ਜੇ ਚੋੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਰਸਤਾ ਖੁਲਤਾ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਜਹਾਂ ਪਰ ਹਮ ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਜਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਤੋ ਹਮ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਹਾਂ ਜੇ ਜੋ ਘਰ ਜੇ ਗਲੀਆਂ ਜੇ ਤਾਲੇ ਦੇਖੇ ਸਭ ਘਰੋਂ ਪੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਤਾਲੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਭੀ ਘਰੋਂ ਕੋ, ਇਹ ਸਭੀ ਘਰ ਜੇ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਤੇ ਰਹੋ ਬੰਟੀ, ਜੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਲੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਉਧਰ, ਜੇ ਸਭ ਘਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖੇ ਜਹਾਂ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਤੇ ਥੇ, ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਕੋ ਜਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਲੈ ਕਰ ਆਇਆ ਹੂੰ ਦਵਾਈ ਕੇ ਲੀਏ, ਹਾਰਟ ਕੇ ਵੋ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਥੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਥੇ, ਵੋ ਜਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੂੰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਲੈ ਕਰ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਦੇਖੇ ਜਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਅਭੀ ਹਮ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੁਖਦੇਵ ਕੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਮ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪਰ, ਔਰ ਦੇਖੇ ਜੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸਾ ਜੇ ਗਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਮੇਂ 20-20 ਲੋਕ ਰਹਿਤੇ ਥੇ ਕਭੀ, ਅਬ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਮੇਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੋਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ 10-10 ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਮੇਂ ਰਹਿਤੇ ਥੇ, ਜੇ ਦੇਖੇ ਬੜ ਕਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੈਸੇ ਜਹਾਂ ਪਰ ਲਿਫਟ ਲਿਫਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਜੇ ਘਰ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਸਾਹਮਣਾ ਘਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਨੋਘਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁਆ ਥਾ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਬੜਾ ਹੁਆ ਥਾ, ਜਹਾਂ ਸੇ ਵੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਓ ਕੋ ਸਾਥ ਮਿਲਾ ਥਾ, ਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰ ਦਿਖਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਜੇ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਰਸਤਾ ਇੱਧਰ, ਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਉ, ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 2-4 ਘਰ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਉ ਬਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਨੌਨ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਕਾ ਘਰ, ਇੱਧਰ ਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਜ 23 ਮਾਰਚ ਹੈ, 23 ਮਾਰਚ ਕੋ ਜਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਮਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆਤੇ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ, ਜੇ ਹੈ ਪੜੋਸੀ ਦੀਵਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਦੀਵਾਰ ਲਗਤੀ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪਰ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜੇ ਛੋਟੀ ਇੰਟੋ ਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਿਰ 2 ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣ ਗਈ।
ये आले हैं देखें, ये सुखदेव के घर के जो रोशनी के लिए आले रखे हुए हैं। और यहीं तक सुखदेव का घर है, छोटा सा है लेकिन है क्रांतिकारी का। ये देखिए ये भी पुराने घर हैं। चलिए, बस ऐसी थोड़ी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं जहाँ पर आज से 100 साल पहले लोग रहते थे। ये पड़ोसी जो उस वक्त जब भक्त सिंह को फांसी हुई थी, यही पड़ोसी थे जो घर से निकल कर आए थे। ऊपर लगा दें, ये सुखदेव का घर है, आ जाओ इधर। आ जाओ मंटी, इधर आ जाओ। यह घर जो है इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पड़ोसी हैं सुखदेव के। जब इन्हें पता चला कि 23 मार्च को फांसी दे दी गई है सुखदेव को, यही पड़ोसी सुखदेव के घर गए थे उसकी माँ को दिलासा देने के लिए। माँ का बेटा तो बेटा ही होता है ना। आज कौन सी माँ चाहती है कि उसका बेटा भगत सिंह बने, फांसी पर चढ़े? कोई चाहती है माँ? कोई माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा भगत सिंह बने, सुखदेव बने, राजगुरु बने? फोटो हम लगा लेते हैं लेकिन किसको यही नहीं पता कि माँ का बेटा, माँ का प्यार, माँ का स्नेह जो बच्चों के साथ होता है कैसा होता है, उन जो शहीद हुए उनकी माँ बाप का स्नेह उनके साथ कैसा था। जहाँ पर पिछले साल बहुत भीड़ लगी हुई थी, जो लोग आ रहे थे, नेता लोग आए थे, वो सारे बड़े बड़े नेता लोग आए थे, सेंटर के लोग भी आए थे, लेकिन अब की बार क्यों नहीं आए थे? इस मार्च है क्या दिखावा करने के लिए आते हैं यहाँ पे? जहाँ पर लेने लगी हुई थी इस वक्त तक, पिछले साल वाली वीडियो भी देख लेना हमारी, गली गली नौजवान नेता लोग, आम आदमी पार्टी उस वक्त जीत कर आई थी क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु उनका जो है आइडियल है, उनका आदर्श है कि हम इनके पद कदमों पर चलेंगे। पिछले साल तो बहुत सारे नेता लोग आए थे जहाँ पर, बहुत बहुत नेता आए थे, हमको जहाँ पर भीड़ दिखाई दी थी। क्या ये सरकारी कार्यक्रम में जाना चाहते हैं? ये लुधियाना का सुखदेव था, पहले हम अपने सुखदेव को देखेंगे ना, इसकी डेथ हुई थी आज के दिन, तो पहले जहाँ पर हम आएंगे ना श्रद्धांजलि देने के लिए, जहाँ पर आएंगे ना। लेकिन ये मैंने सारा मोहल्ला आपको दिखाया, ये गलियाँ दिखाई, ये घर दिखाए, किस लिए दिखाए मैंने? कि सोच बदलो समाज बदलेगा, सोच बदलो समाज बदलेगा, तभी बदलेगा जब आपकी सोच बदलेगी। आपकी सोच तो वहीं पर है जहाँ पर पहले थी। पैसा कमाओ, खाओ, सो जाओ, हमें क्या लेना देश से, हमें क्या लेना समाज से, हमें क्या लेना किसी से? अगर यही सोचते भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तो हम आज़ाद ना होते। लेकिन आज़ादी किनको मिली? आज़ादी मिली है ब्यूरोक्रेसी को, आज़ादी मिली है हमारे नेताओं को, आज़ादी मिली है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। गरीब तो आज भी गरीब ही है। भगत सिंह का घर देखा ना, राजगुरु का घर भी देख लो, और सुखदेव का मैंने दिखाया ना, 50-60 गज होगी, थोड़ी सी जगह में रहता था वो। उस वक्त भी बड़े बड़े हवेलियाँ थी लोगों के पास, बड़े बड़े महल थे, बड़े बड़े कारोबार थे, लेकिन ये छोटे से घर से निकल के एक नौजवान निकला घर से और फांसी का फंदा उसने चूम लिया। अंग्रेज सरकार के खिलाफ उसने नारे लगाए कि मैं आज़ादी लेकर रहूँगा, आज़ादी लेकर रहूँगा। आज़ादी उसने तो ले ली, आज़ादी का सुख कौन भोग रहे हैं आप लोग जानते ही हैं ना, आज़ादी का सुख भोग रहे हैं नेता लोग, ब्यूरोक्रेसी और आप जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं। हमें आज़ादी नहीं मिली, आज़ादी लेकर रहेंगे। अभी एक और क्रांति की ज़रूरत है,
उसके लिए कितने लोग आगे आते हैं, कितनी माँ के बेटे आते हैं, कौन मांगे कि मेरे घर भगत सिंह पैदा हो और फांसी का फंदा चुमे, मेरे घर सुखदेव पैदा हो फांसी का फंदा चुमे, और राजगुरु मेरे घर पैदा हो फांसी का फंदा चुमे, कोई है ऐसी माँ? लेकिन इनकी माँ को भी नहीं पता था कि हमारे जो बच्चे जिस रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन मैं जतन दास को नहीं भूलूंगा, उसकी माँ को नहीं भूलूंगा, उसके बाप को नहीं भूलूंगा। एक एक दिन करके जतन दास मौत के मुंह में चला गया, देश के लिए उसने कुर्बानी दी, अपने दोस्तों के लिए उसने कुर्बानी दी। जतन दास सुखदेव भगत सिंह के साथ ही जेल में बंद था, 64 दिन वह भूखा रहा, 64वें दिन उसकी मौत हुई। भगत सिंह भी उस दिन, सुखदेव भी, राजगुरु भी, सभी नेता लोग दुखी हुए थे, उनके सीने में दर्द उठा था, यार हमारा दोस्त एक एक दिन करके इस दुनिया को छोड़ के चला गया, सिर्फ इसलिए कि जो अंग्रेज लोग हैं उन्हें अच्छा खाना नहीं देते, उसीलिए उसने भूख हड़ताल की थी। मैं क्या बताऊंगा, आप गूगल में सर्च मार दो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सोच बदलो समाज बदलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त।